प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मैत्री की भावना मनुष्य को पूज्य और प्रशंसनीय बनाती है। जय जिनेन्द्र, स्वागत है आपका जैन शुद्ध व्यंजन में। आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर। तो देखिए, ये हम घर में ही इस चॉकलेट पाउडर को बनाएंगे और ये हमारे हॉट चॉकलेट ड्रिंक जो बच्चों को बहुत पसंद आता है उसमें ये बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए, हम इसे घर में ही शुद्ध तरीके से किस तरीके से बनाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, 5 मिनट में ये बन जाने वाली रेसिपी है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे ही घर में ही हम इसको आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए हमें 1/2 कप खांड शुगर, यानी कि 4 बड़े चम्मच। इसके बाद हमें चाहिए 4 टीस्पून कोको पाउडर, जो हमने घर में ही शुद्ध जैन बनाया हुआ है, जो हमारे इसी चैनल पे आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। 4 टीस्पून चाहिए हमें जैन मिल्क पाउडर, इसकी रेसिपी भी आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। उसके बाद हमें चाहिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, यानी ये भी हमारा घर में ही शुद्ध बना हुआ है, जैन शुद्ध। क्योंकि कॉर्न जो होते हैं, अमेरिकन कॉर्न, वो अभक्ष होते हैं। हमें शुद्ध देसी जो भुट्टे होते हैं उनसे ही घर में बना हुआ जो कॉर्नफ्लोर होगा वही शुद्ध हमारा माना जाता है। तो उसकी रेसिपी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हमें अच्छी तरीके से हमारे मिक्सी के जार में महीन पीस लेंगे और हमारा चॉकलेट पाउडर रेडी हो जाएगा। तो देखिए, हम इसको देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा घर में ही 5 मिनट में कितना बढ़िया महीन चॉकलेट पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा इन सब की ज़रूरत नहीं लगती सामान की, लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने ये जो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं, इन सब की मर्यादा होती है, 24 घंटे की इसकी मर्यादा है। तो हम इस मर्यादा को ध्यान में रखें कि जब हमने दूध से मिल्क पाउडर बनाया है तो मिल्क पाउडर बनने के बाद उसकी मर्यादा 24 घंटे की। अब उस मिल्क पाउडर से हमने चॉकलेट पाउडर बना दिया तो उसकी मर्यादा भी हमारी 24 घंटे की रहेगी। जैसे ही हमने कोको पाउडर बनाया है उसकी भी मर्यादा हमारी 24 घंटे की थी, और इसको हमने सेक के बनाया है इसलिए इसकी हमारी चोको पाउडर की मर्यादा थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जैसे मसालों की मर्यादा होती है 7 दिन की गर्मियों में, उस हिसाब से हमारे इस कोको पाउडर की मर्यादा भी 7 दिन हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई गीला पदार्थ नहीं है, सूखे पदार्थ से ही बना हुआ है। तो इस प्रकार आप मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने इस पाउडर को बनाएं, जितनी ज़रूरत है उतना बनाते जाएं ताज़ा ताज़ा। इस चॉकलेट पाउडर से हम बहुत सारी मिठाई टॉफ़ीज़ बना सकते हैं, मिठाइयों में भी ऊपर डेकोरेशन के लिए डाल सकते हैं, और हॉट ड्रिंक चॉकलेट ड्रिंक तो आपको बना ही सकते हैं। तो इसके लिए हम दूध का, चाहे तो हम गाय का भैंस का दूध तो हम लेते ही हैं, लेकिन यदि हम इसको नारियल के दूध में बनाते हैं तो भी बहुत टेस्टी लगती है, और बादाम के मिल्क में भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो इस प्रकार आप इसको घर में शुद्ध जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। देखिए, हम सजावट के लिए भी किसी भी प्रकार के किसी एनिमल्स का या फिर फूल पत्तियों के डिज़ाइन नहीं बनाते, क्योंकि उससे उन चीज़ के को खाने का दोष लगता है स्थापना निक्षेप का। तो प्रयास ऐसा ही करें कि हम किसी भी प्रकार के इस तरह के आकार आदि से डिज़ाइन ना करें। जैनागम के अनुसार बनने वाली शुद्ध व्यंजन विधि का मुक्त कंठ से प्रचार प्रसार करें, सभी साधर्मियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो अच्छी बताएं, और अगर अच्छी ना लगी हो तो भी हमें बताएं, हम आगे सुधार करेंगे। चरणा नियोग के अनुसार शुद्ध व्यंजन विधि बनाने से आपका स्वास्थ्य भी सही रहता है और परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेन्द्र।